sit by myself talking to the moon. तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। तो गाइज अभी जो आप प्रीव्यू में वीडियो देखें अर्थ वर्सेस रियलिटी, तो गाइज ये अभी बहुत ट्रेंड पर है इंस्टाग्राम रील्स पर, और अगर आप इस टॉपिक पे इस पे आप वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो वायरल होने का बहुत चांस रहता है। तो अगर आपको भी कुछ इसी तरह वीडियो बनाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मतलब रील्स पर ऐसा वीडियो आप देखने को मिला है आपको, अगर आपको भी कुछ इसी तरह वीडियो बनाना है तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है। तो मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोहेल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो अपलोड इस टेक्निकल सोहेल यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, क्योंकि आपका भाई वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा रील्स अपलोड करते रहता है, तो इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे बनाने सीखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको गूगल अर्थ ऐप को इंस्टॉल करना है, ये प्ले स्टोर पर है। तो गाइस गूगल अर्थ ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसे जूम आउट कर लेना है, और यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है तो इस पर आपको टैप करना है, और जो आपका प्लेस है जहाँ पर आप जिसका मतलब जिस प्लेस पे वीडियो बनाना चाहते हैं उस प्लेस यहाँ पर टाइप कर लें, और अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, और आप सर्च करने से पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ, सोचो अभी। हाँ, अब मैं प्लेस को सर्च करता हूँ, और जब भी सर्च करूँगा ये नीचे वाला ऐसे वन फिंगर से डाउन कर देना है, उसके बाद देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुका है। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वीडियो के साथ आपको बने रहना है। अब गाइस आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस का आइकन आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बाद आपको उस पर टैप करना है, 9:16 रेशियो को पे क्लिक करना है, देन सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिटिंग का ऑप्शन पर, और यहाँ पर फिल स्क्रीन पर। अब यहाँ पर जो फोटो ड्यूरेशन, या आप वहाँ पर देख पा रहे हो डिफॉल्ट फोटो ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ ए फोटो क्लिप, तो आपको इसे 2.5 सेकंड तक करना है। अब यहाँ पर आपको एक सॉलिड ब्लैक कलर को इंपोर्ट करना है, उसके बाद आप अपना कुछ इमेजेस सबको इंपोर्ट कर लें जिस इमेज पे आप वीडियो बना रहे हो, तो आप यहाँ पर 4-5 इमेजेस सबको इंपोर्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैं इतने इमेज को इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड पे जो सॉलिड कलर है इससे आप क्या करें 4.9 सेकंड तक कर लें, कुछ इस तरह आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देन इस कट को ऑप्शन पर जाना है 4.9 पे, और ट्रिम टू राइट कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, लेयर पर क्लिक करके मीडिया को ऑप्शन पर जाना है, और जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए उससे आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जहाँ से मेरा वो नीचे वाला है उससे हटा लेता हूँ मैं, उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको आइडिया होगा, तो इधर का मैं ट्रिम कर देता हूँ, और जहाँ से मेरा ये स्टार्ट हो रहा है मैं इधर सर्च करता हूँ, अभी देख सकते हैं, तो इधर का मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए आप, मैं यहाँ से सर्च कर चुका हूँ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक जूम होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं फिर से सर्च किया था, तो यहाँ पर मैं इधर का कट कर देता हूँ, और इस पार्ट को मैं अब इधर ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो प्लेस है वो ऑटोमेटिक जूम हो रहा है, तो उस टाइम से आपको इधर का पार्ट को मतलब कट कर देना है, ट्रिम टू लेफ्ट कट का ऑप्शन पर जाने के बाद, उसके बाद ड्रैग करके आपको इधर कर देना है कुछ इस तरह, और यहाँ पर उसके बाद आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब उस पर टैप करना है और इस तरह आपको बड़ा करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है ये धीरे धीरे ऐसे करके जूम होगा, और उसके बाद आपको इसे मैं कहा इस टाइम तक रखना है 4.9, देन टैप करके इधर का पार्ट को आपको कट कर देना है। अब यहाँ पर गाइज आपको इस पर टैप करके इसको ऑडियो को म्यूट कर देना है। अब यहाँ पर गाइज अभी आप देख सकते हैं आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, तो इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, नीचे तरफ आपको गेट स्टोरी का ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आप इस जगह पर पहुंच जाओगे। अब आपको एक्शन पर क्लिक करना है और अपने इंटरनेट को ऑन करना है। एक्शन पर आने के बाद गाइज आपको यहाँ पर स्पीड टर्न एक्सेलरेशन, जैसे कि स्पीड टर्न और भी चीज़ है आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन, हाँ ये सबको डाउनलोड करना है, तो स्पीड टर्न एक्सेलरेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना है फोटो गैलरी,
तो यहाँ पर आपको मैं याद मुझे मतलब मैं फ़ोटो गैलरी यही सब पे मिल जाएगा, तो आप फ़ोटो गैलरी डाउनलोड कर लें। इस वाइप का ऑप्शन पे ना कहाँ पर है, हाँ वाइप का ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा फ़ोटो गैलरी, तो आप फ़ोटो गैलरी को प्लीज़ यहाँ पर फाइंड कर लीजिए। और फ़ोटो गैलरी एक और एक ट्रांजिशन है, तो उस फ़ोटो गैलरी को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं दोनों तीनों को डाउनलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं फोटो गैलरी एक्सेलरेशन स्पीड टर्न। तो सबसे पहला आपको प्लस का आइकन पे स्पीड टर्न का सेकंड वाला चूज़ करना है, और जब भी आप उससे चूज़ करोगे तो आपका टाइम जो है बैकग्राउंड सॉलिड कलर ये पीछे हो जाता है, तो आपको इससे ड्रैग करके बढ़ा लेना है कुछ इस तरह। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको करना है, हाँ। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और एक ऑडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो उस ऑडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर। तो यहाँ पर गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं ऑडियो को इंपोर्ट कर चुका हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइम पर ही बीट आता है, तो बीट के साथ आपको मैच कराना है कुछ इस तरह। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक आता है, तो आप क्या करें इससे इस जो आपका ब्लैक कलर है इसे थोड़ा सा आप पीछे कर लें, जो आपका सॉलिड कलर है उसे थोड़ा सा पीछे कर लें, और देख सकते हैं इस तरह आपका जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो इस तरह आ जाएगा। अब गाइज आपको नेक्स्ट प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन पे जाना है, और तीन नंबर को चूज़ करना है। फिर से नेक्स्ट प्लस का आइकन पर क्लिक करना है एक्सेलरेशन का चार नंबर, फिर से नेक्स्ट प्लस का आइकन पर क्लिक करके एक्सेलरेशन का तीन नंबर, फिर से आपको नेक्स्ट प्लस का आइकन पर क्लिक करके फोटो गैलरी का एक नंबर, और एक आपको फोटो को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, जो कि मैं सोचिए और एक फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बीट के साथ मैच कराना है, तो वो भी मैं कह दूंगा। तो सोचिए गाइज आपको मैं इसी फ़ोटो को इंपोर्ट करता हूँ। अब आपको फिर से नेक्स्ट प्लस का आइकन पर क्लिक करके फोटो गैलरी का तीन नंबर। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर बीट के साथ मैच कराना है, जैसे कि ये फ़ोटो थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, इसका भी थोड़ा सा आपको प्ले करके देखना है थोड़ा इस तरह, तो इसका और थोड़ा बढ़ेगा इस तरह, तो इसका भी थोड़ा सा बढ़ेगा ज़्यादा नहीं, और इसका पूरा कम हो जाएगा, तो इसका इतना ही कम होता है, इसका थोड़ा सा मतलब आप ज़्यादा कर लें जहाँ पर ये फोटो क्लिक का ऑप्शन आ रहा है उस जगह पर, मतलब इससे और थोड़ा ज़्यादा करें आप इस तरह, और उसके बाद मैच करना है थोड़ा और, मतलब गाइस आपको बीट के साथ मैच कराना है इस तरह। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह आपको मैच करा लेना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पर गाइस आपको इस फोटो को इंपोर्ट करना है, देन इस फोटो का ड्यूरेशन को आप पूरा लास्ट तक कर दें, हाँ। उसके बाद आप इस तरह इसे फुल करें। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है, और आपको एक वीडियो को इंपोर्ट करना है, देन स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके आपको फिट कर लेना है आपके वीडियो को, देन ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना है, स्क्रीन पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पर गाइस आपको एक व्हाइट कलर का बॉर्डर को इंपोर्ट करना है, फ्रेम को इंपोर्ट करना है, देन आप इस बॉर्डर को लास्ट तक कर दें जितना दूर आपका ये वीडियो है। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके आप इसे फिट कर लें, तो देख सकते हैं आपको साइड पे वो व्हाइट कलर का बॉर्डर है वो फिट हो चुका है, और यहाँ पर गाइस आपका जो वीडियो है वो भी बनके तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको थोड़ा से प्ले करके दिखा देता हूँ।